और ये सारी चीजें करते हुए हम लोगों ने देखा G20 की लीडरशिप मोदी जी को मिली। मोदी जी आज ग्लोबल लीडर बन गए। G20 में दुनिया के सारे बड़े बड़े राष्ट्रपति चप्पल उतार उतार के गांधी जी की समाधि पर जाते हुए भी हम सबने देखा। और इतना ही नहीं तो G20 का जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, लोग कहते थे डिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, चार खेमों में दुनिया बटी है, तो सारे लोग एक डिक्लेरेशन पे साइन कर ही नहीं सकते। इससे पहले सारे डिक्लेरेशन फेल हुए, पर मोदी जी ने सबको एक टेबल पर बिठाकर दिल्ली डिक्लेरेशन करके दिखाया। यूनैनिमस डिक्लेरेशन हुआ, सबने मिलकर डिक्लेरेशन किया, किसी ने उसको विरोध नहीं किया, एवरीबडी साइन द डिक्लेरेशन। और उससे मोदी जी का स्टेचर एक वर्ल्ड लीडर के रूप में तैयार हुआ। 19 देशों ने मोदी जी को उनका सर्वोच्च सम्मान दिया, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, इस प्रकार की 19 कंट्रीज ने अपना सर्वोच्च सम्मान ये मोदी जी को दिया, जिसमें 6 अरब कंट्रीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बदलती हुई भारत, और ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत देश का सम्मान है। मैं मॉरिशस गया था और मॉरिशस के राष्ट्रपति से मैं मिला, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति ने कहा कि वी वुड लाइक टू थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मैंने कहा व्हाई वुड यू लाइक टू थैंक, मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा कि मॉरिशस इज अलाइव बिकॉज मोदी जी गेव अस वैक्सीन। अगर मोदी जी हमको कोविड की वैक्सीन नहीं देते तो मॉरिशस जिंदा नहीं होता। वी ओ आवर लाइफ टू मोदी जी, ये मॉरिशस के राष्ट्रपति कहते हैं। और ऐसे मॉरिशस के राष्ट्रपति जैसे 100 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, 100 कंट्रीज जो कहती है कि हमारी कंट्री जिंदा है क्योंकि मोदी जी ने हमको वैक्सीन दिया, नहीं तो हम जिंदा नहीं रख सकते। तो भारत, हम जो जिस भारत की कल्पना करते थे कि भारत विश्वगुरु बन सकता है, आज उसकी ओर भारत निकल पड़ा है।